एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी चले हम बात करते हैं आज के ब्लॉग पे। तो मैंने जेसिका से कुछ शॉपिंग की थी और इधर से ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए हैं। ठीक है, जेसिका का क्लिंजिंग मिल्क मैंने फ़र्स्ट नंबर पे परचेज़ किया है और फिर स्किन शाइनर। ठीक है, स्किन शाइनर तो आपको पता होगा कि कितनी चीज़ों में यूज़ होता है और इसके बेनिफिट भी अच्छे हैं। और सेटिंग नंबर पे मैंने जो मंगाया था, जो कि मैंने इनका टोनर मंगवाया था। ठीक है, ये मुझे 4 पीस एक साथ मिले हैं। ठीक है, ये मैंने डील में मंगवाए और ये 4 मुझे एक साथ ही मिले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पे सूथिंग लोशन, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये भी। और स्किन शाइनर और सूथिंग लोशन, ये दोनों हमारी स्किन पॉलिश में डलते हैं और ये पार्लर में बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये मैं पर्सनल यूज़ करने के बाद आपको इन सब चीज़ों का रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने पर्सनल यूज़ करे ही हैं, सब चीज़ें मैंने ये पर्सनल यूज़ की हैं, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर बात करें तो हम इसका जो क्लिंजिंग मिल्क है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा क्लिंजिंग है मेरी नज़र में, जो कि मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने जो जाना है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इससे क्लिंजिंग इतनी अच्छी होती है, इतना सॉफ्ट हो जाता है चेहरा आपका, इतना ग्लो करता है, इतना क्लीन हो जाता है फेस, और मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छा करता है। इसका जो क्लिंजिंग मिल्क है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये आपके डेड सेल, जो स्किन में से डेड स्किन होती है, वो भी निकाल देता है, सॉफ्ट कर देता है, मॉइस्चराइजिंग कर देता है आपकी स्किन को, और बहुत अच्छे तरीके से नीड और क्लीन कर देता है, जो कि क्लिंजिंग का मतलब होता है कि आपके चेहरे पर क्लिंजिंग करना। और ये मैं डेली बेसिक्स पर यूज़ करती हूँ, रोज़ाना रात को क्लिंजिंग करके मैं इसको सूखती हूँ। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको मसाज करना है। ठीक है ना, आपने 10 से 15 मिनट जो भी आपके पास टाइम है, ठीक है, आप 10-15 मिनट इसको मसाज करें। ठीक है, हल्के हल्के वाटर से मसाज करें, थोड़ा सा हाथ पे वाटर ले लें। ठीक है, पहले इसको क्लिंजिंग को अपने फेस पे लगाएं। और ये एक चीज़ मैं आपको इसकी बताते चलूँ कि इसको आपने अपने साफ चेहरे पर लगाना है। पहले अपना चेहरा आप वॉश कर लें, उसके बाद अपनी क्लिंजिंग करें, ये आप चेहरा धोने के बाद लगाएँ। जो इस पर लिखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये बहुत अच्छी क्लिंजिंग है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। 100% अच्छी लगी मुझे, जो कि मुझे अच्छी लगी जेसिका की। ठीक है, प्रोफेशनल बेसिक भी यूज़ की जाती है, पार्लर में भी यूज़ करी जाती है। बहुत से यहाँ पे पार्लर हैं जो मेरी तरफ हैं, जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो मैंने भी सोचा कि मैं इसको परचेज़ करूँ और इसको यूज़ करके देखूँ। तो मुझे अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले और मेरा चेहरा भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है इसने। और इसकी बात की जाए तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, और ये क्रीम फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं इसका आपको ढक्कन थोड़ा के हटा दूँ इसका। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस मेरी तरफ से तो 10 of 10 है। इतनी अच्छी इसकी स्मेल है, इतनी अच्छी इसकी स्मेल है, बहुत ज़बरदस्त से मिल्क टाइप में थोड़ा लगता है। ठीक है, जो कि इसका नाम है क्लिंजिंग मिल्क। ठीक है, तो ये मिल्क ही तरह लगता है और चेहरे को इतना अच्छे तरीके से मॉइस्चराइजिंग कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लिंजिंग मिल्क जेसिका का। और नेक्स्ट पे हम बात करें, ये है स्किन शाइनर। ठीक है, स्किन पॉलिश मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, इसमें ग्लिसरीन भी ऐड है। ठीक है, विटामिन ई भी ऐड है। ठीक है, आपको पता है कि ये पार्लर में भी यूज़ किया जाता है, और ये मैंने वैसे भी स्किन पॉलिश में यूज़ करने के लिए मंगाया। मैं वैसे तो इसको यूज़ नहीं करती हूँ, नॉर्मली भी इसको लगाते हैं लोग, हैंड पे लगाते हैं, इसको लगा के मसाज भी करते हैं। ठीक है, स्किन पॉलिश में भी होता है, और जो स्किन पॉलिश में इसके यूजेस हैं वो तो आपको पता ही होगा कि आपके इसको डालने से आपकी स्किन पे चेहरे पे शाइन आती है। ठीक है, और सूथिंग लोशन को डालने से आपके चेहरे पे जो रैशेज़ वगैरह होते हैं वो बनते हैं, वो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से लगा, और वैसे भी लोग इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, जो कि मैंने नहीं किया। तो मैंने नहीं किया, अगली बार मैं इसको ऐसे ही लगा के देखूंगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इसके रिज़ल्ट है कि नहीं है। वैसे मैंने इसको स्किन पॉलिश में यूज़ करने के लिए मंगाया है। और नेक्स्ट पे हम इसकी बात करें सूथिंग टोनर की, तो ये मुझे इतना ज़बरदस्त, इतना आला और इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। इसकी जो स्मेल है वो ऑरेंज टाइप लगती है, जैसे कीनू का होती है ना खुशबू, वैसी लगती है इसकी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और टोनर तो आपको वैसे भी यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन पे। ठीक है, तो ये मैंने टोनर मंगवाया था, सूटिंग टोनर है, और इसको लगाने से मेंथोल जैसा लगता है, जैसे ठंडा होता है ना चेहरा, फेस ऐसा ठंडा सा महसूस होता है,
ठीक है, मैंने ये भी यूज़ किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और वैसे तो घर में भी होममेड भी टोनर मंगा सकते हैं, लेकिन ये 4 पैक में मुझे मिला है इसके साथ ना, ये 4 मुझे एक साथ मिले डील में, तो मैंने ये ज़ाहिर है अब ये 4 के साथ आया है, तो मैंने इसको वैसे यूज़ करके देखा। पहले मैंने इसको यूज़ नहीं करा था, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है नॉर्मली तरीके से, तो मैं इसको जब भी फेस वॉश करती हूँ या फिर कोई भी स्किन केयर करती हूँ तो उसके बाद लगा लेती हूँ। कोई भी स्किन केयर करें आप, उसके बाद आप ये लगा सकते हैं, और नॉर्मली भी आप इसको लगा सकते हैं। टोनर तो वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम बात करें, वही बात मैंने जो आपसे कही है कि वाइटनिंग सूथिंग लोशन, ठीक है। तो ये भी मैंने, ज़ाहिर है आपको मैंने पहले बताया कि मैंने स्किन पॉलिश में के लिए इसको मंगवाया है, ठीक है। स्किन पॉलिश में स्किन शाइनर भी जाता है, सूथिंग लोशन भी जाता है, तो ये मैंने दोनों इधर से ही परचेज़ कर लिए। तो मैं जो डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ, ठीक है, और ये कर रही हूँ टोनर। तो उसके दोनों के ही तीनों ऐसे तो सारे ही बेस्ट हैं, चारों ही अच्छी चीज़ें हैं, सब ही अपने सारे ही अपने ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब अच्छा कमाल ही है, ज़ाहिर काबिले तारीफ़ ही है। लेकिन जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ वो हूँ ये कर रही हूँ, ठीक है, और ये टोनर कर रही हूँ। और जो स्किन पॉलिश में ये दोनों मिला के दिखे थे तो इसके भी रिज़ल्ट मुझे अच्छे ही लगे। बोलते हैं कि स्किन शाइनर और सूथिंग लोशन में मिलाओ स्किन पॉलिश में तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्किन पॉलिश और ये सूथिंग लोशन इसकी भी बेस्ट रिज़ल्ट है, ठीक है ना। तो ये मैंने सारी चीज़ें एक ही साथ मैंने मंगवाई थी, और ये भी डील में मिल रही थी मुझे चारों ही चीज़ें ना, तो ये मैंने चारों ही एक साथ मंगवाई थी, ठीक है। तो ये मुझे समथिंग 1000 में पड़ा है, तो ये मुझे अच्छा लगा। और इसके बेस्ट रिज़ल्ट हैं, जेसिका के बेस्ट रिज़ल्ट हैं। तो वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और आप मुझे बताना, अगर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ तो मैं इसको यूज़ करके भी दिखाऊँगी इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।